the tangent intersect at point b these are the tangents these are intersecting at a point b and d this is also the tangent so that this tangent and this tangent also intersect at a point d what is the figure now based on the above information evaluate whether the following statement is true or false justify your answer you have to tell the statement that is correct or wrong एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ई डी बी इज़ अ पैल एटलीस्ट वन पेयर ऑफ मीन्स आपको ये बताना है कि ये साइड और ये साइड पैलल है या फिर देखिए टेंजेंट कौन सी है ये टेंजेंट है ये टेंजेंट है ये टेंजेंट है ये, टेंजेंट है, ये, टेंजेंट है ये। तो आपको सिंपली सा दिख रहा होगा इसमें कि पैलल आपको दिख गई होंगी ये वाली टेंजेंट दिख रही होगी ये टेंजेंट दिख रही है ठीक है अब पैलल है ठीक है बट जस्टिफाई कैसे करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करें और यहाँ से जब एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो सेंटर से ये जब सेंटर से इस पर डालते हैं तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इतनी बात क्लियर है इसी तरीके एक थ्योरम गिवन है बुक में तो ये नाइन्टी है तो ये भी नाइन्टी होगा यहाँ से ठीक है एंड दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए इट मीन्स दीज लाइन्स आर पैर टू ईच अदर तो इसी इसमें भी यही करना है आपको क्या लिखना है दिस विल बी ओ ए बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री क्लियर ऐसे ही ओ ई e, यहाँ से लिखेंगे ओ ई e, इसको मान लेता हूँ मैं कोई एक पॉइंट लिख देते हैं एक्स तो एंगल ओ ई एक्स विल बी नाइन्टी डिग्री सो बोथ आर इक्वल सो बी विल राइट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ई एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंस ठीक है सो इसको लेट कर लीजिए ये एक्स था इसको बाई लेट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए पी एंड क्यू सो एक्स इज पैलर टू दैट इज़ प्रूड वॉड एवरी वन आई होप सभी को समझ में आ होगा अगर वीडियो अगर समझ में आता है क्वेश्चन का सोल्यून तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, ना अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरी